यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मुझे पार्टी ने एक विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा है कि जनाधार इकट्ठा करें और जनाधार यहाँ पर बढ़ाएं, पार्टी के फेवर में करें, वो कार्य मैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ। मैंने कभी टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बड़ों ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे लिए अच्छा कुछ तय कर रखा है। पार्टी को जिताना है, भगवा लहराना है। अपर्णा यादव बाराबंकी में चुनाव प्रचार पर हैं और लगातार ये कह रही हैं। अभी उन्होंने बाराबंकी में ग्राम प्रधानों से मुलाकात की है, बाराबंकी सदर सीट पर प्रचार के लिए। अपर्णा जी, हम सुन रहे थे, आप कह रही हैं पार्टी को जिताना है, भगवा लहराना है, और ये गढ़ वो है जहाँ धर्मराज यादव विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको मिला है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरी जनसभा भी आपने देखी शिल्पी जी, तो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। और डेफिनेटली मतलब हम लगातार इसी क्रम में अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं जी। आप सुबह से यहाँ प्रचार कर रही हैं, तो जिस तरह से यहाँ आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको लगता है ग्राउंड पर काम हुआ है? बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जो फैसले हैं, जो काम हुआ है, उनको लेकर के लोगों के बीच जा रही हैं, या किस तरह से मतलब उनको बात कर? तो सब जगह काम हुआ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जो है रोडे बनने का काम हो, चाहे गाँव में इंटरलॉकिंग बिछने का काम हो, नलके लगे हों, तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो ये गांवों की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। और भी जगहों पे और काम हुए हैं, पर मुझे लगता है कि हम जितना मुझे पार्टी ने एक विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा है कि जनाधार इकट्ठा करें और जनाधार यहाँ पर बढ़ाएं, पार्टी के फेवर में करें, वो कार्य मैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करूँ। अभी हम जनसभा में सुन रहे थे कि ये बात भी हो रही थी कि बेनी प्रसाद वर्मा का क्षेत्र, मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से एक साथ साथ उनका रहा, तो कहीं ना कहीं उनके सियासी एक उत्तराधिकारी होने के नाते, उनके परिवार की बहू होने के नाते आपके बड़े वो हैं, तो इस बात को भी सामने रख रही हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वो मेरे लिए मेरे ससुर जी हैं, और एक ससुर होने के नाते, एक पिता होने के नाते, उनकी गाइडेंस हमेशा रिक्वायर्ड होती है। तो मैं परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ, मैं हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ, और समय समय पर वो मुझे अपनी बातें बताते हैं। आज आप यहाँ हैं, आज लखनऊ सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था, आपने अपने क्षेत्र में कैंट में लखनऊ में बहुत काम भी किया था, लेकिन टिकट वहाँ ब्रजेश पाठक जी को प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हें वहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, मेरी बहुत शुभकामनाएं उन्हें। और मैंने कभी टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने फर्स्ट डे भी यही बोला था, आज भी मैं यही बोल रही हूँ। और मुझे पता है मेरे पार्टी में बहुत अनुशासन है, बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत सोच समझ करके अपनी पार्टी में शामिल किया है। सो नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी, और हमारे यहाँ संगठित रूप से डिस्कशंस होते हैं, संगठित रूप से सारी चीज़ें होती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बड़ों ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे लिए अच्छा कुछ तय कर रखा है, इसलिए मैं अपना काम जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, यानी पार्टी को जिताने के लिए काम करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं अपर्णा यादव, बाराबंकी सदर सीट पर प्रचार कर रही हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बहुत अनुशासन है, और जो सोच रखा है उनके लिए पार्टी ने, वो होगा, और इस पर उनको पूरा भरोसा है। इन्होंने शुभकामनाएं दी, इन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि कैंट सीट से ब्रजेश पाठक को टिकट मिला है, और इस पर उनको कोई दुख नहीं है, और यहाँ पर आकर के बाराबंकी में वो प्रचार कर रही हैं बीजेपी के लिए। ये ऐसी सीट जिस पर बीजेपी कभी नहीं जीती है, लेकिन उस पर यादव परिवार की, मुलायम सिंह यादव की बहू यहाँ पर प्रचार कर रही हैं। अब देखना ये है कि यहाँ नतीजा क्या रहता है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के लिए प्रचार के लिए अपर्णा यादव इस समय ज़मीन पर उतर करके डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, और पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, बाराबंकी।